स्वागत है आपका आईटी सिंपलीफाइड इन हिंदी पर। और जब भी आप मार्केट में कोई कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो रैम यानी कि मेमोरी आपके मेन कंसर्न में से एक होता है। ज्यादातर यूजर्स रैम के साइज या फिर रैम के जनरेशन पर ही ध्यान देते हैं, मतलब कि रैम कितने जीबी का है और उसका जनरेशन, मतलब कि रैम DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, किस जनरेशन का वो रैम है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप परचेज कर रहे हो या फिर लैपटॉप परचेज कर रहे हो या फिर आप अपना सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, रैम के साइज और रैम के जनरेशन के अलावे आपको रैम की फ्रीक्वेंसी और रैम के लेटेंसी को भी देखना चाहिए। रैम का फ्रीक्वेंसी और रैम का लेटेंसी भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके रैम के काबिलियत का, कि आपका रैम कितना अच्छा और कितना बेहतरीन है। आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर आए पुराने वीडियो में मैं ऑलरेडी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। मैं ये भी बता चुका हूँ कि DDR, DDR2, DDR3 या फिर DDR4 रैम क्या होते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि रैम क्या होता है तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रैम के फ्रीक्वेंसी या फिर रैम के लेटेंसी के बारे में। देखिए, रैम का फ्रीक्वेंसी उसके क्लॉक रेट पर डिपेंड करता है। हालांकि इस वीडियो में डिजिटल क्लॉक के बारे में काफी कुछ बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक के बारे में उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं हल्का हल्का आपको बतला देता हूँ। डिजिटल क्लॉक कुछ इस तरह का वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है, निगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जाता है। फिर पहली बार जब ये स्पाइक निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है और दूसरी बार जब ये स्पाइक निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एक क्लॉक साइकिल कहा जाता है। मतलब यहां से यहां तक को एक क्लॉक साइकिल कहेंगे। इस क्लॉक साइकिल के इंटरवल के आधार पर ही हमें डेटा सेंड करना होता है। जैसे कि अगर हमें डेटा तभी भेजना है जबकि क्लॉक का स्पाइक निगेटिव से पॉजिटिव जाए, तो इस केस में हम एक क्लॉक साइकिल में एक ही डेटा भेज पाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, पूरे एक क्लॉक साइकिल में हम एक ही डेटा भेज पाएंगे। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी से जिस रैम में डेटा भेजा जाता था उस टेक्नोलॉजी को कहते थे SDR, यानी कि सिंगल डेटा रेट। SDR के बाद हमारे पास होता है DDR। DDR मतलब डबल डेटा रेट। जब एक क्लॉक साइकिल में हम एक के बदले दो दो डेटा भेजने लगे, यहाँ देखिए, पहले हम सिर्फ निगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए स्पाइक पर ही डेटा भेजते थे, लेकिन अब पॉजिटिव से निगेटिव आते हुए स्पाइक पर भी हम डेटा भेजने लगे हैं। तो जब एक क्लॉक साइकिल में हम दो दो डेटा भेजने लगे तो हमारा डेटा रेट बढ़ जाता है, और इस तरह के रैम को हम लोग DDR यानी कि डबल डेटा रेट रैम कहते हैं। तो STR में क्या होगा कि इनपुट या आउटपुट एक क्लॉक साइकिल में एक ही बार होगा, लेकिन डबल डेटा रेट में इनपुट या आउटपुट एक क्लॉक साइकिल में दो बार हो सकता है। उसके अलावा हालांकि ये क्वाड डेटा रेट एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हम लोग DDR पर ही हैं, इसी के अलग अलग वर्जन निकल के आ रहे हैं, DDR1, DDR2, DDR3 और अभी DDR4 चल रहा है। हालांकि चारों DDR में जो डेटा हम भेजते हैं वो एक क्लॉक साइकिल में दो ही बार भेजते हैं। हालांकि चारों में से किसी भी DDR टेक्नोलॉजी में हम लोग एक क्लॉक साइकिल में दो ही बार डेटा भेजते हैं, लेकिन और भी कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर इम्प्रूव करके हम DDR2 को DDR1 से बेहतर बनाते हैं, 3 को 2 से बेहतर बनाते हैं और DDR4 को DDR3 से बेहतर बनाते हैं। और जहां तक बात है QDR का, तो QDR टाइप का मेमोरी अभी इन्वेंट नहीं हुआ है। हालांकि इस पर रिसर्चे चल रहे हैं अभी, लेकिन QDR टाइप का मेमोरी अभी इन्वेंट नहीं हुआ है। इसमें हम लोग एक क्लॉक साइकिल में रैम से चार बार इनपुट या आउटपुट कर पाएंगे, मतलब कि चार बार डेटा ट्रांसफर सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में कर पाएंगे। अब देखिए, एक सेकेंड में आप रैम पर जितनी बार क्लॉक साइकिल भेज पाते हैं उसी को रैम का क्लॉक रेट कहा जाता है। मतलब एक सेकेंड में रैम की तरफ इस तरह का 10 क्लॉक साइकिल अगर जाता है तो रैम का जो क्लॉक रेट होगा वो 10 हर्ट्ज होगा, HZ 10 HZ 10 हर्ट्ज। और अगर रैम की तरफ एक सेकेंड में ऐसा ऐसा 200 क्लॉक साइकिल जाता है तो रैम का क्लॉक रेट जो है वो होगा 200 हर्ट्ज। क्लॉक रेट एक तरह का फ्रीक्वेंसी है। रैम के कई तरह के फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी है वो है क्लॉक रेट। अब दूसरे तरह के फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। दूसरे तरह के फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है ट्रांसफर रेट। मतलब क्लॉक साइकिल तो आप इतना भेज रहे हो, एक सेकेंड में आप 200 क्लॉक साइकिल भेज रहे हो, लेकिन 200 क्लॉक साइकिल भेजने के साथ साथ आप कितनी बार ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो, कितनी बार आप रीड राइट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर HDR में हर एक क्लॉक साइकिल के साथ, क्योंकि हम एक ही बार डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो HDR में अगर किसी रैम का
क्लॉक रेट 200 हर्ट्ज है तो उस रैम का ट्रांसफर रेट भी 200 हर्ट्ज ही होगा। लेकिन अगर आप एक क्लॉक साइकिल में दो दो बार डेटा ट्रांसफर करते हो और उस रैम का क्लॉक रेट 200 हर्ट्ज है तो उस रैम का डेटा ट्रांसफर रेट 400 हर्ट्ज हो जाएगा। तो DDR का डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो क्लॉक रेट से दो गुना होता है। और फिलहाल QDR का DRAM मतलब QDR का डायनेमिक रैम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिलहाल हम DDR4 तक पहुंचे हैं। ये टेबल मैंने विकिपीडिया से लिया है। यहाँ पर जो चिप का क्लॉक रेट है ये एक अलग चीज है, इसके बारे में बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। और चिप का क्लॉक रेट आपके मतलब का है भी नहीं, आपके मतलब का है बस का क्लॉक रेट और बस का ट्रांसफर रेट। अभी तक हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे और यही आपके मतलब का है। जब भी आप मार्केट में जाओगे तो यही देख करके आप अपना रैम परचेज करोगे। देखिए बात जब DDR की हो रही है तो कैसे क्लॉक रेट जिसे हमने मेगा हर्ट्ज में मापा है, कैसे क्लॉक रेट DDR के ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड से DDR4 के न्यूएस्ट स्टैंडर्ड तक वेरी किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। DDR के ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड का क्लॉक रेट 100 मेगा हर्ट्ज था, जबकि DDR4 के न्यूएस्ट स्टैंडर्ड का जो क्लॉक रेट है वो 1600 मेगा हर्ट्ज है। मतलब अगर हम लोग बस के क्लॉक रेट की बात करें तो DDR200 में एक सेकेंड में 100 मिलियन बार क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट करता है और DDR4-3200 में एक सेकेंड में 1600 बार बस का क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट करता है। और हम जानते हैं कि हर एक बस के एक क्लॉक साइकिल में हम लोग दो बार डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए 100 मिलियन बार अगर क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग उसमें 200 मिलियन बार डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर अगर 1600 मिलियन बार क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग 3200 मिलियन बार डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हर एक डेटा ट्रांसफर में यहाँ पर 8 बाइट का डेटा ट्रांसफर किया जाता है। कभी भी जब हम लोग बस के थ्रू रैम में डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर रीड हो या राइट हो तो एक ट्रांसफर में 8 बाइट डेटा रीड या राइट होता है। तो यहाँ पर ये जो MBPS है वो बस का बैंडविड्थ है कि एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है। उसके बाद वोल्टेजेस हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग DDR से DDR4 की तरफ आ रहे हैं वोल्टेज का रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है इस रैम को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर एक टेक्नोलॉजी होता है जिसे कि प्रीफेज कहते हैं। प्रीफेज मतलब कि जितना डेटा मांगा जाता है उससे दोगुना डेटा वो ला करके अपने एक लोकल मेमोरी भी होता है, रैम का खुद का अपना एक लोकल मेमोरी होता है, वहां पर ला करके स्टोर कर दिया जाता है। उससे दोगुना उसके अगल बगल के सेल से भी डेटा ला करके स्टोर कर दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि अगली बार अगर फिर से डेटा की डिमांड हो तो उसको रैम को एक्सेस ना करना पड़े बल्कि वो जो लोकल मेमोरी है रैम के भीतर उससे ही वो डेटा दे दिया जाए और फिर वो डेटा ट्रांसफर और ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो DDR में दोगुना ला कर रखा जाता है जितना मांगा जाए उससे, DDR2 में जितना मांगा जाता है उससे 4 गुना, DDR3 में 8 गुना और DDR4 में भी 8 गुना रखा जाता है। अब जो डेटा एक्स्ट्रा डेटा जो ला कर रखा जाता है वो अगल बगल के सेल से ला कर रखा जाता है, क्योंकि रैम में जब भी आप डेटा को रीड या राइट करते हैं तो वो किसी रैम के किसी सेल में आप रीड या राइट करते हैं तो उस सेल के अगल बगल के जो 8 सेल होते हैं ना उनका भी डेटा ला करके उसे रैम का जो लोकल मेमोरी होता है उसमें रख दिया जाता है। तो ये जो प्री फेचिंग का टेक्निक है वो रैम की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि जब कोई डेटा हमें रैम के लोकल मेमोरी में मिल जाता है तो उसके बाद फिर उस रैम के इंटरनल सेल्स को एक्सेस करने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब देखिए जब भी आप किसी रैम को एक्सेस करते हैं रीड करने के लिए या राइट करने के लिए तो रैम को जब वो कमांड जाता है रीड या राइट का, उसके बाद जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और आप अगर रीड करना चाहते हो तो डेटा आपको मिल जाता है, जब राइट करना चाहते हो तो डेटा वहां पर राइट हो जाता है। जब आप रैम को कोई एक कमांड देते हैं और जब वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसके बीच में जो टाइम डिले होता है उसे ही रैम का कैश लेटेंसी कहते हैं, CAS लेटेंसी, कैश लेटेंसी। कैश लेटेंसी को नैनो सेकेंड्स में मापा जाता है, लेकिन कभी कभी कैश लेटेंसी को इन तीन नंबर्स में भी बतलाया जाता है, 3 या 4 नंबर्स होते हैं यहाँ पर। इन नंबर्स के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यहाँ पर जो कैश लेटेंसी है वो इन्हीं तीनों चारों नंबर्स को ध्यान में रख करके कैलकुलेट किया गया है। इन्हीं तीनों चारों नंबर्स को एक फॉर्मूला में डाला जाता है और फिर यहां से आपको कैश लेटेंसी नैनो सेकंड में मिल जाता है। तो या तो अगर आप कोई रैम परचेज करने जाएंगे तो लेटेंसी नैनो सेकंड में लिखा होगा, अगर नैनो सेकंड में लेटेंसी लिखा होगा तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेटेंसी आपको नंबर्स में लिखा हुआ है तो एक बात का आप ध्यान देना कि
अगर ये नंबर ज्यादा बड़े हैं तो इसका मतलब कि उसका लेटेंसी ज्यादा होगा। अब आप बताओ कि लेटेंसी ज्यादा होना अच्छी बात या बुरी बात है? ऑफ कोर्स लेटेंसी ज्यादा होना बुरी बात है, क्योंकि लेटेंसी किसी भी रैम के इनपुट और आउटपुट के बीच का टाइमिंग है। जब आप इनपुट दिए और जब आपको आउटपुट मिला उसके बीच में जो टाइम लगता है उसे ही लेटेंसी कहते हैं। तो वो टाइम जितना ही कम हो आपका रैम उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो वो फ्रीक्वेंसी जितना ही ज्यादा हो आपका रैम उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। एक्चुअली मार्केट में जो फ्रीक्वेंसी दिखलाया जाता है वो मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी होता है, वो क्लॉक साइकिल पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी नहीं होता। वो क्या होता है, मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी होता है कि हम एक क्लॉक साइकिल में दो ट्रांसफर्स कर रहे हैं। इस तरह का फ्रीक्वेंसी आपको मार्केट में दिखलाया जाएगा किसी भी रैम के पर। तो बस का क्लॉक रेट क्या होता है हम जान गए, बस का ट्रांसफर रेट क्या होता है हम जान गए, बस का बैंडविड्थ क्या होता है हम जान गए, वोल्टेज जान गए, प्रीफेज जान गए। ये जो पिंस होते हैं इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा चिप का क्लॉक रेट देख लेते हैं कि ये चिप का क्लॉक रेट क्या है। देखिए अगर प्रीफेज 2N है तो बस का जो ट्रांसफर रेट होगा वो चिप के क्लॉक रेट से दो गुना ज्यादा होगा। अगर प्रीफेज 4N है तो बस का जो ट्रांसफर रेट होगा वो चिप के क्लॉक रेट से चार गुना ज्यादा होगा। वैसे ही अगर प्रीफेज 8N है तो जो बस का ट्रांसफर रेट होगा वो चिप के क्लॉक रेट से आठ गुना ज्यादा होगा। ये कुछ ऐसे काम करता है। मान लीजिए कि ये DDR मेमोरी का इंटरनल आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आपका मेमोरी एरे है जहाँ पर कि कई सारे मेमोरी सेल्स हैं, उन्हें ही आपको एक्सेस करना है। फिर यहाँ पर रैम का अपना इंटरनल इनपुट आउटपुट मेमोरी है, इनपुट आउटपुट बफर है अपना इंटरनल, जो कि इससे काफी ज्यादा फास्ट है। अब हमारा जो मतलब होता है वो इस बस के फ्रीक्वेंसी से होता है, इस बस के फ्रीक्वेंसी और बस के डेटा ट्रांसफर रेट से होता है। इंटरनल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल ट्रांसफर रेट क्या है इससे हमें कोई खास मतलब नहीं होता, और ये हमारे मतलब का है भी नहीं। हमारे मतलब का बस यही है कि बस का फ्रीक्वेंसी और बस का ट्रांसफर रेट क्या है, और यही मार्केट में दिखाया भी जाता है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो क्यों नहीं हम इंटरनल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल ट्रांसफर रेट के बारे में भी बात कर लें। अब एक्सटर्नल क्लॉक रेट को, बस के क्लॉक रेट को इंटरनल क्लॉक रेट से कंपेयर मत कीजिएगा। ये इंटरनल क्लॉक रेट अपने आप में बिल्कुल अलग है, जो कि मेमोरी एरे से इनपुट आउटपुट बफर की ओर जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा बना दिया गया है कि अगर हर एक क्लॉक साइकिल में हम लोग 2 बिट डेटा को प्रीफेज करें और एक बार कुछ मांगा जाए तो उसका 2 बिट हम यहाँ पर ला के रख दें, तो इंटरनली हम लोग 200 मेगाहर्ट्ज़ पर अगर डेटा लाएंगे तो उतने ही देर में, एक सेकेंड में, हम लोग 400 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर इनपुट आउटपुट बफर में स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और बाहर की बात अलग है, बाहर तो है ही कि 200 मेगाहर्ट्ज़ पर हम 400 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल बात अलग है। इंटरनल हम 200 मेगाहर्ट्ज़ पर 400 मेगाहर्ट्ज़ इनपुट आउटपुट बफर में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हर एक क्लॉक साइकिल में 2 बिट प्रीफेच कर रहे हैं। DDR2 रैम में क्या होता है कि हर एक क्लॉक साइकिल में हम लोग 4 बिट प्रीफेच करते हैं। इस वजह से इंटरनली 100 मेगाहर्ट्ज़ पर ही हम बाहर के 400 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर डेटा यहां पर प्रीफेच कर देते हैं। बाहर का कहानी वही है, 200 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक साइकिल पर 400 मेगाहर्ट्ज़ का डेटा हम ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन यहां पर 100 मेगाहर्ट्ज़ पर ही वो काम हो जा रहा है। तो यहां देखिए, अगर DDR3 मेमोरी है तो सिर्फ 50 क्लॉक साइकिल के भीतर ही हम 400 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर डेटा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट बफर में कर पा रहे हैं। हालांकि बाहर की कहानी बिल्कुल अलग है, बाहर हम कभी भी एक क्लॉक साइकिल में 2 से ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो बाहर के क्लॉक साइकिल में हमेशा कहानी वही है कि 200 मेगाहर्ट्ज़ में 400 मेगाहर्ट्ज़ का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इंटरनल देखिए, इंटरनल कम ही क्लॉक साइकिल में ज्यादा डेटा ट्रांसफर हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं मेमोरी एरे से इनपुट आउटपुट बफर के बीच में। और ये जो प्रीफेज का जो टेक्नोलॉजी है ये भी आपकी मेमोरी को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि बस का जो ट्रांसफर रेट है वो क्या है, बस का ट्रांसफर रेट उस बस के क्लॉक रेट से कैसे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। बस का बैंडविड्थ क्या है, किस तरह से ट्रांसफर रेट का 8 गुना होता है बस का बैंडविड्थ हर जगह। और उसके बाद आपको समझना है कि लेटेंसी क्या होता है। तो लेटेंसी इनपुट और आउटपुट के बीच का एक टाइम गैप होता है जिसे कि हम लोग नैनो सेकेंड्स में मापते हैं। और यहाँ पर सारा DDR4 का ही डेटा दिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप DDR1 से DDR2, DDR2 से DDR3, DDR3 से DDR4 की तरफ बढ़ते हो लेटेंसी बढ़ते चला जाता है। हालांकि
जो फ्रीक्वेंसी है वो ही बढ़ते चला जाता है। आप देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ते चला गया है, लेकिन लेटेंसी भी बढ़ते चला जाता है। लेकिन इस केस में बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी बढ़े हुए लेटेंसी को कैंसिल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के कंप्यूटर के साथ, क्योंकि कंप्यूटर में भी इस तरह का फ्रीक्वेंसी वगैरह होता है, तो किस तरह के कंप्यूटर के साथ किस तरह का रैम लगाया जाए। तो आइए थोड़ा इंटेल के वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इंटेल इसके बारे में क्या कहता है। ये इंटेल का 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर का पेज है। चलिए इस प्रोसेसर को देखते हैं, ये एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। और यहाँ पर देखिए इंटेल क्या कहता है कि मेमोरी टाइप्स में ये DDR4 2666 टाइप के मेमोरी के साथ लगने के लिए कॉम्पेटेबल है। 2666 यहाँ पर रैम का फ्रीक्वेंसी है। कभी भी आप किसी रैम में जाकर के देखेंगे, रैम का जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा ही लिखा होगा, उसके जनरेशन का नाम लिखा होगा फॉलोड बाई फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली ट्रांसफर रेट होता है, वो और कोई क्लॉक रेट वगैरह नहीं होता। ये जो बस का ट्रांसफर रेट अभी हमने देखा ना यहाँ पर इस स्लाइड में, ये जो ट्रांसफर रेट हमने देखा वही होता है। मतलब DDR4 2666 देखिए यही लिखा हुआ था ना, इसके साथ वर्क करने के लिए ये रेडी है। तो इस रैम को या इससे लो लेवल के रैम को आप इस सीपीयू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रैम के फ्रीक्वेंसी और रैम के लेटेंसी में अंतर समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि रैम को सेलेक्ट करते समय साइज जितना ही इंपॉर्टेंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी और उसका लेटेंसी भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंपलीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।